जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों बाज़ार में बहुत सारी पंच तुलसी के नाम पे जो शीशियाँ बिकती हैं, ज़्यादातर उसमें एसेंस डाले होते हैं, उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है मगर काम जो होता है बिल्कुल कम होता है। तो आज हम पंच तुलसी बनाने जा रहे हैं। हमने पाँच प्रकार की तुलसियाँ अपने हाथों से तोड़कर बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, जैसे ये कह लो कुदरती तरीके से, जो सही तरीका है अर्क निकालने का, उस तरीके से हम अर्क निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले गुजारिश है कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दिए गए बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने ये शाम तुलसी, जिसको काली तुलसी बोलते हैं, ये तुलसी ली है। इसके हम पंचांग लेंगे, इसके पत्तियाँ, इसके फूल और थोड़े बहुत इसमें बीज भी बन चुका है, तो थोड़े बीज भी आ जाएंगे। और इसी तरीके से हमारी जो राम तुलसी होती है, जो ग्रीन तुलसी आम मिल जाती है, वो तुलसी ली है। इसके अलावा हमने यहाँ पे वन तुलसी ली है। वन तुलसी इसकी क्वांटिटी जो है इस बार कम मिली है, पिछली बार तो हमने प्रॉपर सभी तोल कर डाले थे। तो और आपकी ये जो राम तुलसी हो गई, शाम तुलसी हो गई, एक हमने जिसको मरुआ बोलते हैं, ये भी तुलसी की एक जाति होती है, वो लिया है। सभी का बराबर वजन लेके तो इसके अंदर हमने 6 गुना पानी डाला है। ज़्यादातर जो अर्क निकालने का तरीका है उसमें अर्क की जो मात्रा होती है, जो जितनी हमारी औषधि है, उसके 20 गुना पानी डाला जाता है, फिर उसका अर्क निकाला जाता है। हमने इसमें सिर्फ 6 गुना पानी लिया है और इसमें अर्क जो निकलेगा बहुत ही इसकी जो तेज़ स्मेल होती है, काम भी बहुत बढ़िया होता है और लेने की क्वांटिटी इसकी भी बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सारे भाई कोरियर के थ्रू मंगाते हैं हमारा अर्क ये पंच तुलसी का। तो उनको पता है, जिन भाइयों ने पहले मंगवाया था, कि इसकी 8-10 बूंदे ही उतना काम करती हैं जितनी बाजार वाली की 15 बूंदे काम करती हैं। और ये एकदम नेचुरल जेन्युइन और हाथ से निकाला हुआ है, इसमें कोई किसी तरह का एसेंस भी नहीं डाला हुआ। और इसके फ़ायदे भी जो भाई इस्तेमाल कर चुके हैं उनको पता है, और जो भाई मंगवाना चाहते हैं आगे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी कीमत भी बिल्कुल वाजिब रखी हुई है हमने। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो नेकों हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि पंच तुलसी बाज़ार में भी बिकती है पंच तुलसी के नाम से, जिसके अंदर पता नहीं उन्होंने क्या डाल रखा होता है कि उसकी जो एक तो स्मेल है बहुत तेज़ होती है, गंध बहुत तेज़ होती है, आँखों को चुभती है, और किसी किसी के तो अंदर कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एसेंस वगैरह डाल के उसकी उसको बनाया जाता है। हमने अभी ये 2.5 लीटर के करीब निकाला है, तो हमें कम से कम 5-7 दिन का वक्फा जो दिन है वो लग गए हैं, 7-8 दिन लग जाते हैं प्रॉपर इसको इकट्ठा करने में। और 2.5 लीटर में ही हमारा एक सिलेंडर निकल जाता है, तो वो तो क्वांटल के थ्रू रस निकालते हैं, पता नहीं कैसे निकालते हैं, पता नहीं हमें, तो हम तो अपने हाथों से आपके सामने बिल्कुल कुदरती तरीके से निकाल रहे हैं, जो सही तरीका है अर्क निकालने का। और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है, पिछली दफ़ा भी हमने इसी सीज़न में बनाई थी पंच तुलसी का अर्क निकाला था और बहुत सारे भाइयों ने ऑर्डर किया था। और अभी उसमें से जो जैसे शीतला बहन है, ये आपके एक दिल्ली से थी, क्या नाम था इनका बहन का, इन्होंने भी अभी 2 पीस ऑर्डर किए हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग जिन्होंने पहले इस्तेमाल किया है उनको पता है कि हमारी जो ये पंच तुलसी का रिजल्ट कैसा है। ये आप जो देख रहे हैं ये बन तुलसी है, इसको हमने अपने घर पे उगा रखा है। ये शाम राम तुलसी है, पहले आपने शाम तुलसी देखी थी, ये हमारा इसके आगे जो आएगा वो जिसको हम रेहां बोलते हैं, बेसल तुलसी की वो प्रजाति है, इसको कुछ लोग मरुआ भी बोलते हैं, मुश्क बबरी बोलते हैं पंजाब के अंदर। तो इस तरीके से हमने ये सारी पांचों की 500 तुलसी इकट्ठी करके फिर इसका अर्क निकाला है। और ये जो बिल्कुल इसकी एक एक बूंद अमृत के समान है, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, पुराने दाद है, चंबल है, स्किन में रूखापन आ गया है, बालों में जिनके बाल झड़ रहे हैं, बालों में खुश्की है, बालों में डैंड्रफ है, तो किसी भी तेल के अंदर या नारियल के तेल के अंदर इसकी अगर 5-7 बूंद मिक्स करके आप सिर में लगाते हैं तो डैंड्रफ को भी ख़त्म करेंगी, बालों को लंबा करेगी, टूटते हुए बालों को भी ये जड़ से ख़त्म कर देती है। इसके अलावा जिन भाइयों को टाइफाइड रहता है, पुराना टाइफाइड है भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, तो ये इसकी 4-5 बूंद 6 बूंद चाय में, कॉफ़ी में, दूध में मिलाकर दी जाए
तो ये टाइफाइड के लिए भी अमृत के समान काम करती है। और बहुत सारी बीमारियां जिससे सिर दर्द है पुराना, तो इसकी अगर अमृत धारा में दो बूंद सिर दर्द में लगाई जाए तो कुछ दिन लगाने से सिर दर्द को प्रॉपर ख़त्म कर देती है। और भी पंच तुलसी तो ये 600 बीमारियों के ऊपर काम करती है। जो बाजार के जो लिटरेचर आते हैं पंच तुलसी के अंदर निकलते हैं, उसमें उन्होंने तो कोई दवाई छोड़ी। जो भाई भी इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर हमने दे रखा है वीडियो में, आप चाहें तो इसको अभी ऑर्डर कर सकते हैं। और जो भाई खुद बनाना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरीके से आप पंचो तुलसी इकट्ठी करके खुद का अर्क बनाकर देखें। बाजार वाली जो चीज़ें होती है आजकल इसमें मिलावटखोरी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये लोग बताते कुछ और है बनाते कुछ और है। तो अगर आप जेन्युइन तरीके से बनाएंगे तो आयुर्वेद को प्रसार करने में बहुत मदद करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद दुनिया से इसीलिए पीछे हो रहा है कि कुछ लोग मेहनत नहीं करते, बाजार की बनी हुई चीज़ें लेते हैं, बाद में कहते हैं कि आयुर्वेदिक काम नहीं करती। अगर आप खुद अपने हाथों से मेहनत करेंगे, आप खुद तैयार करेंगे, जड़ी बूटियां इकट्ठी करेंगे ताज़ी, उनसे अगर चिकित्सा करेंगे तो आपका कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं कहेगा कि जो कोई हमें आराम नहीं आया। हर एक पेशेंट खुश होकर जाएगा, हर कोई भी समस्या है चाहे वो ये पंच तुलसी आपको पता है कि कैंसर तक की बीमारियों को भी नहीं छोड़ती। पुराने नज़ला, जुकाम, खांसी, जितनी भी घुटनों की दर्द है, जोड़ों में दर्द है, आँखों में भारीपन रहता है, याददाश्त कमज़ोर है, जिन बच्चों को चिड़चिड़ापन बहुत है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो इसको उसका जो बदरका है, खाने का जो अनुपान है, उसको अलग अलग अनुपान के साथ इसको अलग अलग सेवन किया जाए तो ये पुरानी से पुरानी जो बीमारी है उसके ऊपर बढ़िया काम करती है। बहुत सारे लोग सिर्फ पंच तुलसी के ऊपर ही अपना काम करते हैं, टाइफाइड के तो ये जड़ से निकाल देती हैं, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है, गुर्दों में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बहुत बढ़िया काम करती है। जिन भाइयों को ये नाइटफॉल की प्रॉब्लम आती है उनके ऊपर बढ़िया काम करती है, नामर्दी के ऊपर बढ़िया काम करता है। टाइफाइड को तो ये जड़ से ख़त्म करती ही करती है, बहुत सारी बीमारियों के ऊपर पंच तुलसी का बहुत बढ़िया रिजल्ट, ये तो जो माना गया है, साइंस भी इसको मानती है कि तुलसी के ऊपर जो कोई चीज़ है, जो औषधि है, वो नहीं है, आयुर्वेद के अंदर इसको बहुत बढ़िया जो माना जाता है। जितनी भी पुरानी कोई प्रॉब्लम्स है, जो किसी बीमारी जो आपकी नहीं जा रही, वो पंच तुलसी से ठीक हो जाती है। तो आज हम इसका जो अर्क निकाल रहे हैं, आपने देख लिया है कि हमने सारी पंचों की पांचों तुलसियां इकट्ठी की है। अभी इसको हम दो दिन के लिए पानी में भिगो के रखेंगे, उसके बाद इसका हम अर्क कशीद करेंगे और वो अर्क एक बार निकाल के उसके बाद फिर पांचों तुलसी डालेंगे, फिर उसका अर्क निकालेंगे। फिर इसकी सिर्फ 2 से 3 बूंद सेवन करवानी होती है। ये आप पहली दफ़ा इसका अर्क निकल रहा है, इसके बाद हम इसका अर्क दोबारा निकालेंगे, फिर उस अर्क को हम अपना संभाल कर रखेंगे और उस अर्क की 6-6 बूंद, 4 से 6 बूंद तक, 10 बूंद तक हम पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको रिकमेंड करते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बता दी है वीडियो में, टाइफाइड, मलेरिया, कोई भी सर दर्द पुराना, कोई स्किन की प्रॉब्लम है, दाद है, चंबल है, खारिश है, तो इसको अलग अलग अनुपान के साथ इंटरनल भी दिया जाता है, खाने के लिए भी खिलाया जाता है, ओरल भी, और इसको एक्सटर्नल भी यूज़ करते हैं, तो उतना ही इसका रिजल्ट मिलता है। अमृत धारा में अगर इसको आप मिक्स करके सर पे लगाते हैं तो तुरंत असर करती है ये। जितनी भी आपको खांसी है, जुकाम है, छाती के ऊपर, अमृत धारा में इसकी 2-4 बूंद मिक्स करके, बच्चों को निमोनिया हो गया है, छाती के ऊपर इसको लगा दें तो बहुत जल्दी काम करती है। तो दोस्तों, आगे हम संख्या शुद्ध करने की वीडियो बना रहे हैं।